नोकिया जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन नोकिया 8.2 लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, इसके साथ में स्नैपड्रैगन 735 का प्रोसेसर जो कि जल्द ही लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में, और इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो क्या है इसी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इंडिया में ये कब तक लॉन्च होगा, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके डिजाइन से तो एक ग्लॉसी ग्रेडियंट ग्लास पैनल देखने को मिलेगा, और जिसके साथ इसका कलर फुल कॉम्बिनेशन काफी परफेक्ट सूट करेगा इस स्मार्टफोन के लिए। साथ में बात करते हैं अगर इसके फ्रंट साइड की, तो 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके साथ ही 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। साथ में अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 735 प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 730 से तो काफी पावरफुल है, और इसी के साथ ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 735 दिया जाएगा। 735 का प्रोसेसर एंड्रॉइड क्यू के सपोर्ट के साथ आएगा, जो कि एंड्रॉइड 1 पे ही डिजाइन किया गया है, जैसा कि नोकिया के प्रीवियस सारे स्मार्टफोन किए गए हैं ऑलरेडी। इसी के साथ अगर इसके रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात करें तो दो वेरिएंट के साथ ही आएगा, 6 128 GB एंड 4 64 GB। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कैमरास की, तो ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 48 MP होने वाला है, जो की सोनी के IMX586 का सेंसर होगा। 13 MP का इसके साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, और 5 MP का एक डेप्थ सेंसिंग भी इसमें दिया जाएगा, जो की एक नाइट मोड के लिए काफी अच्छा डिटेक्ट कर पाता है। साथ में बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा की, तो 32 MP का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो 3700 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि आएगी टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm जैक के सपोर्ट के साथ। इसके साथ ही अगर बात करें प्राइसिंग की, तो 22 से 25 हजार के बीच में इसका प्राइसिंग रहने वाला है, जिसमें आपको 735 का प्रोसेसर, 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा, इसके साथ ट्रिपल AI कैमरा और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि Redmi K20 से तो मेरे को लगता है काफी बेटर ही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट जरूर करें। बात कर लेगा इसके लॉन्च डेट की, तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च होता दिखेगा, जो कि Redmi K20 का एक ऑसम किलर माना जा सकता है इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो और कुछ इसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नोकिया 8.2 का। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ गुड डे।